गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देते हैं। श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में, मतलब कि कीमत में थोड़ा सा बदलाव होने पर और उसकी मायने मात्रा में जो बदलाव होगा, तभी किसी वस्तु की कीमत में बदलाव होने पर उसकी मायने की मात्रा में जो बदलाव होगा उसके आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करने पर मांग की लोच प्राप्त होती है, जो कि इनकी परिभाषा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कीमत लोच क्या दर्शा रहा है, कि कीमत परिवर्तन होने पर मांग में कितना बदलाव होगा, इसके संबंध को दर्शा रहा। अगर फॉर्मूले से बात की जाए, मांग की कीमत लोच बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फॉर्मूले से आप इसे दर्शा सकते हैं। डेल्टा क्यू बटे क्यू, डेल्टा बी बटे पी, ये दोनों के आनुपातिक संबंध को दर्शा रहा है। इसका आपका फॉर्मूला ये भी है, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू प्रारंभिक मात्रा को, पी प्रारंभिक कीमत, और डेल्टा क्यू आपकी मांग मात्रा परिवर्तन, और डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन को दर्शा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका मांग की कीमत लोच है उसका मान ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि मांग और कीमत में हमेशा प्रतिलोम या विपरीत संबंध होता है। ठीक है, इसको आप दो उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कीमत 10% कम होने पर मांग मात्रा 10 से 14 हो जाती है, ये पहला एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इसको हमने फॉर्मूले में जमा दिया। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 10% परिवर्तन कीमत में, और मांग मात्रा परिवर्तन आपने कैसे निकाला, जो आपका 10 से 14 हो रहा था, 4 का अंतर बटे 10 जो कभी प्रारंभिक मात्रा है गुणा 100, तो ये 40% आ गया। इसको सॉल्व करने पर आपका फॉर्मूले में जमा कर सॉल्व करने पर आपका 4 मांग की लोच निकल कर आ गया। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण, यदि कीमत 7 से बढ़कर 10 हो जाती है तो मांग 6 कैसे गिरकर 4 रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लिखा हुआ था वही लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि 6 से 4 हो गई, तो 4 माइनस 6 करके हमारा -2 मात्रा में परिवर्तन, और कीमत आपका 7 से 10 मतलब 10 में 7 घटाकर 3, ये आपका कीमत परिवर्तन आ गया। और आपका बाकी प्रारंभिक कीमत और प्रारंभिक मात्रा को ऐसे कैसे जमा दिया, सॉल्व कर दिया इसको, और -0.77 हमारा मांग की कीमत लोच निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आज हमने मांग की कीमत लोच के बारे में थोड़ा सा समझा। अगर आपको कोई परेशानी आती तो बता सकते हैं। धन्यवाद।